प्रभु के वचन और सभी ये वचन सभी मेम्ब्रान के लिए सभी के लिए है। बल्कि इस वचन में मैं जाने से पहले मैं आज आपसे बातें करूंगा फोर थिंग्स यू मस्ट हैव फॉर ए सक्सेसफुल मिनिस्ट्री। चार चीजें तुम्हारे जीवन में होना बहुत ही अवश्य है ताकि तुम्हारी जो मिनिस्ट्री है, तुम जिस सेवकाई के लिए, जो काम के लिए, प्रभु के राज के लिए बुलाए गए उसकी सेवकाई के लिए उसमें सफलता मिले। आज कई मिनिस्ट्री, कई लोग उठते हैं प्रभु की सेवा करने के लिए लेकिन असफल होते हैं, गिर जाते हैं, उनके मिनिस्ट्री सब रोज नहीं चलता है, चार रोज में खत्म। लेकिन ये चार चीज नहीं होने के कारण मैं आज आपको उसके विषय में बताना चाह रहा हूं। बल्कि उस मेन वचन में आने से पहले मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूं। एक्सोडस के पुस्तक चैप्टर 13 वर्स 21 से 22 ये हमारा मुख्य वचन नहीं है लेकिन इसमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस जगह पे बाइबल कहती है जब इज़राइलिटीज लोग को परमेश्वर इजिप्ट से निकाला और इजिप्ट से निकल के जब वो कैनान देश जा रहे थे वे सूखी भूमि में चल रहे हैं डेजर्ट और आप जानते हैं डेजर्ट में जब कभी घाम हो उसकी गर्मी और बालू की गर्मी 40 वर्ष लोग चल ले सकते। इसने बाइबल कह दिए कि परमेश्वर उनके लिए बादलों का छाया बना। दिन में जब वह चलते हैं परमेश्वर उनके आगे के चलता है वह बादल का छाया। 3 मिलियन लोग है और यह बादल उनको घेर लेता है और उनको छा प्रोवाइड करता है और उसकी शेड में वे चलते हैं। ये बादल जब इस ओर जाती हुए इस ओर जाते, बादल इस ओर जाती तो वे इस ओर जाते, बादल सीधा जाता तो वे सीधा जाते। रात्रि के समय जब ठंड पड़ता है ये बादल हट जाती है और परमेश्वर अग्नि का ज्वाला उनके लिए बन जाता है। वहां की ज्वाला के नीचे में चलते हैं, अग्नि उनको लाइट प्रदान करती है, ज्योति देती है और लाइट उनको गर्मी देती है उतना गर्म जितना उनको जरूरत है ताकि उनको कंबल की कोई जरूरत ना पड़े। परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। ये दिन में ये जो बादल का छाया है ये कौन है? ये जो बादल का छाया है ये पवित्र आत्मा है। उनको गाइड करता, उनको लीड करता, उनको अगुवाई करता है किस मार्ग से चलना है। रात्रि के समय में वो अग्नि के ज्वाला होली गोस्ट फायर है, वही पवित्र आत्मा होली गोस्ट फायर है, वो उनकी अगुवाई करता है किस रास्ते से उनको चलना है। चर्च आज हमें और तुम्हें भी उसी बादलों की छाया के नीचे होके चल। आज शारीरिक रूप से पवित्र आत्मा वो बादल की छाया में हमें छाया नहीं प्रोवाइड करते हैं लेकिन वही पवित्र आत्मा हमारे दिल में होके हमारी जीवन का छाया है, हमें मार्ग दिखाता है किस रास्ते से चलना, हमें उसकी आवाज पहचानना जरूरी। होली गोस्ट फायर की आवाज हमें पहचानना जरूरी है, हमें मूव होना है, हमें खसकना है, हमें चलना है इस छाया के साथ। बाइबल कहती है 3 मिलियन लोगों में से कुछ कुछ लोग ने विचार किया कि वे नहीं जाएंगे कैनान देश और जो लोगों ने विचार किया कि वापस वे इजिप्ट लौट जाएंगे उस छाया में से हट के और वे इजिप्ट जब जा रहे थे आधे रास्ते में अमलेकाइट्स लोग ने उन्हें जान से मार दिया क्योंकि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं। चर्च हमें पवित्र आत्मा की बोली सुनना जरूरी है, उसकी अगुवाई को पालन करना जरूरी है ताकि हम और तुम कैनान देश को पहुंच सके। हालेलुया पे तुम और मत की नदी बहती है, ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए चर्च आज हमारी चर्च ये फास्टिंग प्रेयर में नंबर वन प्रेयर रिक्वेस्ट गॉड हमें गाइड करे इस वर्ष के किस मार्ग में जाए, हमें रिवलेशन दे, हमारी अगुवाई करे, उसकी बोली की पहचान दे, हम उसकी बोली सुने समझे और आदर करें उसकी इच्छा के बीच में हम ढूंढ रहे हैं उसकी इच्छा। और चर्च आज पवित्र आत्मा हम लोग को रिवलेशन दे रहा है। कुछ कुछ लोग हमें चर्च के मेंबर्स ने भी हमसे शेयर किया कि परमेश्वर ने उन्हें कुछ रिवलेशन दिया इस वर्ष में क्या करना है। चर्च में आपको बताना चाह रहा हूं
हम लोग जब इस फास्टिंग प्रेयर शुरू किया, परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के विषय में कुछ रिवेलेशन दिया है, हम वो आपसे नहीं शेयर करेंगे, वो हमारे लिए, लेकिन कुछ हमें चर्च के लिए भी दिया है, आपके लिए, और वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। बाइबल में एक्सोडस की पुस्तक में 18 चैप्टर में 13 से 26 में बाइबल हमें कह दिया है कि मोसेस 3 मिलियन लोगों का पास्टर है। 3 मिलियन लोग, 3 मिलियन लोग को संभालना बहुत कठिन बात है। हम जानते हैं हमारे बीच में 170 है, और ये 170 हमें कभी कभी इतना तंग करते, इतना तंग करते, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ उलट जाए, उलट जाए, इसके समझाओ, उसके समझाओ, यहाँ कहो, वहां कहो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये पास्टर के जी मोसेस के समझे क्या बीत रहा है। मोसेस ये 3 मिलियन को यहां समझाता है, वहां समझाता है, वो रात दिन वो समझाते रहता है। और उसका ससुर आया, मोसेस का ससुर, उसके नाम पर जेत्रो। जेत्रो वाज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का भक्त। वो आया मोसेस को विजिट करने के लिए, और वो देखता है मोसेस क्या कर रहा है, और उसने उसको शाबाशी दिया कि परमेश्वर उसके बीच में क्या कर रहा है। लेकिन उसने कहा, मोसेस तुम जो ठीक करता है तुम गलत कर रहा है, इट इज रॉन्ग, तुम ऐसे करते रहे, ऐसे करते रहे, तुम ब्लड प्रेशर ऊपर निकला, तुम 2-4 दिन में मर जाए। मोसेस की गलती है, तुम इतना बोझा लेके चलते हैं। तो मोसेस को क्या बतलाता है, मोसेस को बतलाता है 3 मिलियन लोगों में तुम ऐसे लोगों को चुने जो अनॉइंटेड है, जिनके अंदर में परमेश्वर के लिए भूख, और उनको एक एक ग्रुप में लोगों की जिम्मेवारी दे दे ताकि तुम्हारा बोझा हल्का हो सके। परमेश्वर खाली नहीं मांगे तुम यहां समझा वहां समझा, तुम्हारे लिए और कुछ भी रखती है, लेकिन परमेश्वर तुम्हें यूज नहीं कर सके। ग्लोरी टू गॉड। बिल्कुल इस प्रकार से चर्च आज तक अब खाली दौड़ता रहा, इसके समझा है, उसके समझा है, उसके बीमार उसके प्रयास करे, उसकी हीलिंग उसके सैतान निकाले, इसके डिलीवरेंस करे, काउंसलिंग करे, एक करो दूसरा तैयार हो जाए, तीसरा चौथा, ये होते ही रहे। अभी तक हम करते हैं, लेकिन चर्च में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इस वर्ष में सब कुछ बदल रहा है, इस चर्च में सब कुछ बदल रहा है। वी हैव टू मूव विद द क्राउड, हमें इस पागल की छाया के सामने चल रहे हैं। इस वर्ष में मैं चर्च के लीडर्स को कुछ कुछ और जिम्मेदारी दूंगा। अभी तक खाली तुम सेल ग्रुप चलाता रहा, अभी तक खाली तुम वर्शिप टीम में खड़ा होकर गीत गाता रहा, अभी तक शायद तुम वुमेन्स मिनिस्ट्री में कोई चीज करता रहा, मैच फेलोशिप खाली होता नहीं रहा, लेकिन उसमें परमेश्वर और जोड़ना चाहता है। परमेश्वर उसमें और जोड़ेगा, परमेश्वर उसमें जोड़ेगा ताकि आपके जो मिनिस्ट्री है आप उस मिनिस्ट्री में आश्चर्य कर्म दे सके। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में ले जाना चाहता, परमेश्वर नहीं मांगे तुम वही रहे, जा रहा वही रहे, परमेश्वर आपको प्रॉमिस लैंड ले जा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। चर्च आपको मैं भेजूंगा, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं है, किसी को फोर्स नहीं है, लेकिन हम आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि हमारी जो काम है उसमें से कुछ आप में बांटे, जिसमें कि आप जा सके। हॉस्पिटल हम आपको भेजेगा किसी रोगी को प्राप्त करने के लिए, कोई चर्च मेंबर घर में बीमार है मैं आपको भेजेगा उनको प्राप्त करने के लिए, किसी के काउंसलिंग की जरूरत मैं आपको भेजेगा। आप घबराए नहीं, यदि आप में वो खूबी नहीं आपको नहीं भेजेगा, हम जानता कौन सके करे कौन नहीं सके करे। प्लीज लॉर्ड, यदि प्रभु ने आपके काउंसलिंग दान दिए हैं आपको काउंसलिंग के लिए भेजेगा, आपको एवेंजेलिज्म करने के लिए भेजे, कोई डिस्करेज है उसको एनकरेज करने के लिए भेजेगा, किसी मेंबर को विश्लेषण की नीड है, किसी के घर में कोई प्रेयर मीटिंग की जरूरत है, किसी के घर पे जहां पे सेल नहीं होता है हम सेल ग्रुप भेजेगा, जहां पे सेल नहीं होती वहां पे सेल जाएगा मिनिस्ट्री का। कोई कोई जन नहीं मांगे बड़ा नंबर पीपल, तो जो नहीं मांगे बड़ा नंबर के सेल ग्रुप नहीं आए तो हम आपको चर्च के लीडर को भेजेगा, प्लीज वो, ताकि हमारे भोजन को आप ले सके। या आपको हम तरह तरह से नाना प्रकार से इस्तेमाल करेगा, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं। ये परमेश्वर आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, एक मौका देगा उसके काम करने के लिए, और जब तुम जाए तुम लोगों के लिए प्राप्त करेगा और तुम आश्चर्य काम देखेगा, तब तुम जानेगा परमेश्वर तुम्हें भी यूज करे। हालेलुया।
अभी तक तुम खाली सोचते हैं वो पादरी नहीं यूज करे, आपके लोग यहाँ खड़ा होकर टेस्ट पर नहीं दे, ये कैंसर चला गया, ये बीमारी चला गया, वो चला गया, ये रोग चला गया, शैतान निकल गए, ओके रखे, आप सोचते हैं खाली पादरी, पादरी नहीं करे, करने वाला तो यीशु मसीह है, लेकिन आप शायद सोचता है कि पादरी को गिफ्ट दिए गए, आपको मालूम नहीं परमेश्वर ने आपको भी गिफ्ट दिया है, क्योंकि अभी उस गिफ्ट को तुमने इस्तेमाल नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको भेजूंगा इस मिशन फील्ड में परमेश्वर के काम करने के लिए। ना उन लोग के लिए, चर्च मेंबर्स लोग के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद किसी मेंबर को हम साल में 10 दफे विजिट करते रहे, 10 टाइम्स यदि हम विजिट करते रहे, अब हम शायद तुम्हें 2 दफे या 3 दफे विजिट करेंगे, कोई और मतलब दी जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम जानते कोई कोई नहीं मांगे, सब कोई ध्यान। प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई जन नहीं मांगे, किसी ने हमसे कहा पास्टर कोई के नहीं भेज रहे, हम नहीं मांगता कोई, खाली तुम में अलाउड है। प्रेज द लॉर्ड। आज परवाह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो फैमिली राइट है, लेकिन उसके आधा परिवार अनसेव्ड है, नॉन बिलीवर। तो जो नॉन बिलीवर है उनको अपॉइंट नहीं करता, खाली पादरी तुम्हें मौका है बस। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी प्रकार से कोई कोई जन और भी है जो अनसाइड सब लीडर्स के नहीं मांगे। यदि तुम्हारे दिमाग में वो है, आप घबराने, आप बोले नहीं करे, हमें मालूम है, हम नहीं भेज रहे, हम आपके लिए खुद आएंगे, लेकिन कुछ कुछ है जो तैयार है किसी भी लीडर को एक्सेप्ट करने को। हम सभी लीडर्स को वहां भेजेगा जहां पे तुम फंक्शन करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पास यदि मैं एक बार या दो बार जाता रहा, तो कोई और आपके पास पहुंचे, हम भी आपके पास पहुंचे कि कोई और आए, तो आपको डबल ट्रिपल ब्लेसिंग मिली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इस समय आपको सीधे ही प्रभु के खास वचन में लेके जाना चाहूंगा। फोर थिंग्स यू मस्ट हैव फॉर ए सक्सेसफुल मिनिस्ट्री। चार चीजें आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है ताकि आपका मिनिस्ट्री सफलता प्राप्त करे। नंबर वन चीज, पुटिंग लव इनटू प्रैक्टिस। पुटिंग लव इनटू प्रैक्टिस। प्रेम को कार्य रूप दे। बाइबल बुक ऑफ रोमन्स में कहते हैं चैप्टर 5 में, दैट गॉड हैज पॉर्ड हिज लव। परमेश्वर ने अपनी प्रेम की आत्मा को हर मसीह के हृदय में डाला। जिस दिन हम और तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया मुक्तिदाता के रूप में, आपको मालूम नहीं, उसी दिन परमेश्वर ने अपना प्रेम की आत्मा आप में डाला है, और वो प्रेम की आत्मा का 9 फल है, 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। लव, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, जेंटलनेस, फेथफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। ये सारी आत्मा का 9 फल परमेश्वर ने आप में दिए हैं। क्या ये फल आज बढ़ता है आपके जीवन में? क्या इस प्रेम आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है, दिखाई पड़ता है? ये प्रेम को आपको प्रकट करना जरूरी है। यदि आप प्रभु की सच्चाई के काम कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, आप में प्रेम होना जरूरी है। कभी गुस्सा से चिढ़ के, गुस्साए के, रिबेल करके प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं। आप में से प्रेम निकलना जरूरी है। मैथ्यू 5:16 में बाइबल कही दिया है, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। लेट योर लाइट, जिस दिन आपने यीशु को अपनाया, बाइबल कही दिया यीशु मसीह लाइट है, जीसस is the light of this world. जिस दिन आपने यीशु को अपनाया, क्या हुआ? यीशु मसीह आपके हृदय में आने समझ गया। वो कौन? वो लाइट, वो ज्योति हमारे हृदय में आके समझ गया। अब बाइबल क्या कहती है? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
हमारे भले काम से, हमारे अच्छे काम से, हम जो अच्छा काम करें, हम जो भलाई के काम करें, ये काम से परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम साबित करते हैं कि हम मसीह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप देखें, एक क्रिश्चियन आदमी, एक मसीह आदमी कहीं पे चोरी कर रहे थे, एक मसीह आदमी बीच बाजार में लड़ने लगे, लोग कौन से बोलेगा? देखा देखो ऊंचे जाए, क्रिश्चियन आदमी है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत जल्दी से बोलेगा। लेकिन एक मंदिर जाएगा, एक मस्जिद जाएगा, वो लग जाए, कोई नहीं बोली मंदिर जाए, कोई नहीं बोली मस्जिद जाए, खाली चर्च जाए बोला जाए। बिकॉज हम और तुम रियल लाइट है, तब है हम लाइट होके अधिकार के काम करेगा तो अधिकार हमारे ऊपर उंगली दिखाए। लेकिन हम लाइट होके लाइट के काम करेगा तब परमेश्वर को महिमा मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा अच्छा शायद आप अच्छी तरह से नहीं समझे मैं आपको क्या बताना चाहूंगा कि तुम अपने लाभ को कार्य रूप दे। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा कि आप अच्छी तरह से समझ सके। एक समय की बात है, जर्मनी में एक रास्ता बनाने वाला कंपनी, वो हमेशा रास्ता ही बनाते हैं, अभी उनके कर्मचारी मिट्टी में ही मिट्टी खोदते हैं, मोड़ी खोदते हैं वगैरह, मिट्टी में काम करते हैं। तो उनके एक रास्ते के किनारे उनका एक शहीद है, बड़ा सा शहीद है, सभी कर्मचारी वहां आते हैं और अपने ओवरऑल को पहनते हैं, अपने बूट पहनते हैं, काम पे चले जाते हैं, लौट के आते हैं, उस बूट को उतारते हैं, ओवरऑल को उतारते हैं, फिर घर चले जाते हैं। है ये जितने भी कर्मचारी है, ये सभी कर्मचारी अविश्वासी है, सब नॉन बिलीवर। लेकिन इन नॉन बिलीवर के बीच में सिर्फ एक आदमी क्रिश्चियन आदमी, एक ही आदमी क्रिश्चियन जिसमें ज्योति चलना जरूरी, सब अधिकार में रहते हैं। तो ये जब लंच आवा के समय बैठते हैं भोजन करने के लिए उस शीट में, सब अपना भोजन बोल के बस सीधे ही भोजन करने लगते हैं। लेकिन ये जो मसीह आदमी है, ये अपना ध्यान प्रभु की ओर ले जाता है और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है भोजन के लिए, प्राप्त करता है। वो नहीं शर्माता कि लोग क्या बोले, अवश्य बाकी लोग भोजन करते ये प्राप्त करते हैं, बाकी लोग इसको देख के और ठट्टा करते हैं, वो देखो पादरी को चार नाम दे देते उसको, गोरा के बप्पा बोल रहा है, वो अनेक से बात उसको बोल रहे हैं। लेकिन ये आदमी उनसे कभी मुंह नहीं चलाता, कभी उनसे लड़ता नहीं, ना गुस्सा कर, बल्कि प्रेम की बोली बोलता बस। ये लोग जब बैठते हैं आपस में बातें चीत करते हैं, आप जानते हैं अविश्वासी जब बातें करते हैं कभी कभी अच्छा बात करते हैं और कभी कभी बुरा बात भी करते हैं। तो जब ये अच्छा कुछ बात करते हैं, ये क्रिश्चियन आदमी उनके साथ में शामिल हो जाता है, वो भी उनसे बातें चीत करता है, यानी कि उनको दिखाता है तो एकदम अलग नहीं है, उनके साथ में दोस्ती अपना लव शो करता है, उनसे भी फेलोशिप करता है। लेकिन जब वे बुरी बात करते हैं, ये सीधा अपना बाइबल खोल लेते हैं और बाइबल पढ़ने लगता है, ये उनके बात में नहीं शामिल होता है। तो जब बाइबल पढ़ता है तो ये अविश्वासी दोस्त उसको और भी ठट्टा करते हैं, लेकिन वो कोई बात की वरी नहीं करता उसको, चाहे कितना भी ठट्टा करे, चाहे उसको पगला बोले, चाहे कुकू बोले, कोई भी चीज बोले, वो नहीं वरी करता, फिर भी उनसे प्रेम से पेश आता है। तो ये उनके बीच में एक ज्योति है, लेकिन आप उसको उस प्रेम को साबित करना है, कार्य रूप दे रहा है ताकि उनको जीत सके। एक दिन वे काम कर रहे थे और अचानक से थोड़ी धीमी धीमी वर्षा हुई और फिर शाम के समय ये सब कर्मचारी जब आए उस शेड में, अपने ओवरऑल पर उतारे, अपने बूट को निकाले और उनके बूट में चांटा लगा, मट्टी लगा हुआ, ये सब बूट वैसे ही रख के सब चले गए। ये क्रिश्चियन आदमी ये रुक गया, ये घर नहीं गया, ये एक घंटा और एक्स्ट्रा काम करा बिना तलब के, किसी ने नहीं कहा उसे काम करने के लिए, एक घंटा
सभी कर्मचारी के बूट साफ करना, सभी के मिट्टी निकाला, सभी के बूट साफ करके एक घंटा एक्स्ट्रा काम करके वो वापस गया था। दूसरे दिन जब सुबह सब आए नौकरी पे, तो सब देखते हैं इनके बूट कल मैला था, आज सफा है, किसने साफ किया? उनके समझ में नहीं आया किसने इसे साफ किया, लेकिन फिर भी चले गए काम पे। उस शाम को भी एक बार और थोड़ी वर्षा हुई और उनके बूट में फिर चांटा लग गया। शाम या आए अपने चांटा लगा बूट वहीं रख के और वे चले गए। ये क्रिश्चियन आदमी फिर उठा, सभी के बूट साफ किए। दूसरा दिन ये सभी कर्मचारी जब आए और वे देखे एक बार फिर उनके बूट साफ है, अब वे एक दूसरे से पूछने लगे, पता लगाने लगे कि किसने इस बूट को साफ किया। सब तो हम काम करते हैं, वापस चले गए एक साथ में, किसने हमारी बूट को साफ किया, कैसे ऐसे हो सकता है? और उसमें से एक और आदमी जवाब देता है, कोई ऐसा काम हम में से नहीं कर सकता। हमारे बीच में जैसा आदमी है सब, हम लोग में कोई ऐसा आदमी नहीं जो सके या सफा करे, खाली एक आदमी को छोड़े, वही क्रिश्चियन आदमी का। क्यों? क्यों ना कभी लड़ता है, ना झगड़ता है, ना गुस्सा करता है, उसमें हम लोग कोई गड़बड़ चीज आज तक नहीं देखा, यही के काम है। और फिर उन्होंने उससे पूछा और उनको पता चला कि इसी ने उनके बूट को साफ किया है। जानते हो उस दिन से ये लोग जो उसको ठट्टा कर रहे थे, ये ठट्टा करना बंद कर दिए, अब ये उनसे हमेशा अच्छा बातें करते हैं। जब वो बाइबल पढ़ते हैं, ये लोग उनसे कहते हैं कि जोर से पढ़ो जिसमें कि हम लोग भी सुने सकते। अब ये लोग बाइबल सुनते, अब वो आदमी सिर्फ बाइबल जोर से नहीं पढ़ता है, वो बाइबल पढ़ के उनके अर्थ समझाता है, कि वो प्रीचिंग भी करता है उनके बीच। अब बहुत दिन नहीं लगा, थोड़ी ही दिन में वो सभी कर्मचारी उसके साथ उसके चेज आने लगे। ये था उसका प्रेम जिसने उन अविश्वासी को जीत दिया। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, चर्च के लीडर्स, आज हम किसी व्यक्ति को ले जाके ट्रैक्स दे, किसी को हम बाइबल दे, किसी को हम प्रचार करें, वो शायद उस बाइबल को अपने सेल्फ रख देगा, पढ़ेगा, वो ट्रैक्स सेट ले लेगा, लेकिन शायद वो पढ़ेगा, वो हमारी जुबान के प्रचार शायद सुन लेगा, एक कान से दूसरे कान से निकाल देगा, उसमें गौर नहीं करेगा। लेकिन जब हम चले, जब हम बोले, हमारा जो एक्शन है, हमारा जो रूप रंग है, हमारी जो बोली वाणी है, हमारी जो चाल चलने हैं, उसको वो पढ़े, हमारी जीवन को वो पढ़े, और हमारे जीवन में यदि यीशु नजर आए तो वे भी प्रभु के पास आ सकते। चर्च ये नंबर वन सेक्टर आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपके जीवन में प्रेम दिखाना बहुत जरूरी है। नंबर टू चीज, यू मस्ट हैव फादर्स हार्ट, तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का हृदय होना बहुत जरूरी है। स्वर्ग के बाप का हृदय तुम्हारा हृदय, तब तुम्हारी मिनिस्ट्री सफलता प्राप्त करें। बाप का हृदय होना जरूरी है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 12 से 15 में बाइबल की दिए, द हाइएस्ट सेवन सीज द उल्फ कमिंग, ही अबंडेंस द शिप एंड रन्स अवे, वर्स 15, बट द सन लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शिप। ग्लोरी। वचन कहती है एक नौकर जो भेड़ चला रहा है, जब वो भालू को आते हुए देखे, भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन बेटा जब भेड़ चराता है, जब वो भालू देखते हैं, वो अपना जान का बाजी लगा देता है, अपने भेड़ को बचा देता है। दो आदमी है, दोनों का दिल अलग अलग, एक में बाप का हृदय है,
एक में नौकर कहते थे। यदि आप समझे, यदि हम आपको तोड़ के समझाए आप यह बात तरह से समझ लें। एक समय की बात, एक किसान है, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ भेड़ा है और अपने नौकर को भेजते हैं, जा मेरे भेड़ा को चराओ। और वो नौकर जाता है उसके भेड़ा को चराने के लिए और अचानक से देखते हैं एक जंगल में से एक भयंकर शेर निकलता है उस भेड़ा को फाड़ के खाने के लिए। ये नौकर क्या करते हैं? ये नौकर उस शेर को देख के भागते हैं और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। हम बच गया, हम सेफ है पास, भेड़ा चाहे कहीं जाए, जहन्नम में जाए, हमें कोई वरी। वो भेड़ा के बारे में फिक्र नहीं, क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो नौकर है। वो खाली बोलता है कब फ्राइडे आए हमें तलब मिली, बस वो फ्राइडे बोलता है। भेड़ा शेर खा जाए उसके बॉस का हानि होगा, उसका नहीं, तो उसके कोई वरी नहीं। वो है नौकर। लेकिन एक दिन ये मालिक भेड़ाओं का अपने बेटा को कहता है, बेटा आज तू जा भेड़ा को चरा। और ये बेटा उन भेड़ाओं को हाँकता हुआ ले जाता है भेड़ा चराने के लिए। और एक दिन जंगल के आड़ में से एक भयंकर शेर निकलता है उसके भेड़ा को खाने के लिए। क्या करेगा ये बेटा? भाग के लुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बेटा उस शेर का सामना करेगा। अपने भेड़ा को बचाने के लिए उस शेर से लड़ेगा, चाहे उसका जान चली जाए, लेकिन अपने भेड़ा को बचाएगा। क्यों? वो अपने जान की बाजी लगा देता है, इसलिए कि वो जानता है ये भेड़ा मेरे बाप का प्रॉपर्टी है, तो ऐसे छीन नहीं सकता। उसके बाप के प्रॉपर्टी है, वो फ्राइडे नहीं वेट करता उसके तलब के, वो बाप का प्रॉपर्टी है। कौन है वो? बाप का बेटा है। चर्च, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यू आर नॉट ए सर्वेंट ऑफ गॉड, यू आर द सन्स ऑफ गॉड, यू आर द डॉटर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। यदि आपके दिल बाप का दिल हो, आपके जो जिम्मेदारी दिए जाए कलीसिया में, जो काम करने का, जो भेड़ाओं को चराने का, चर्च मेंबर्स को ख्याल करने का, आप नौकर की तरह उनकी सेवा नहीं करोगे, आप बाप के बेटा की तरह सेवा करोगे। उनके जीवन दुख में है, तकलीफ में, तो उसे कार नहीं करेंगे। एक चर्च मेंबर जिसके घरे बत्ती नहीं बरे, लाइट नहीं, एक चर्च मेंबर जिसके घरे को चेयर नहीं बैठे कि तुम्हें नीचे मट्टी में बैठे, बेटा जो रही बाप का बेटा वो घर पे नहीं जाए, खाली धनवान घर नहीं खोजे जहां पे थोड़ा अच्छा मिले खोजे। आजकल ऐसा होता है, धनवानों का बोलबाला है, उन्हीं की सुनी जाती है, लेकिन जो नीचे होकर लोग नहीं परवाह करते। लेकिन यदि बाप का बेटा परमेश्वर का सेवक है, वो सभी के पास जाएगा, सभी को एक समान देखेगा। चर्च, आपके पास बाप का हृदय होना जरूरी है। यदि बाप का हृदय है तो सबको एक समान देखेगा और सभी के विषय में परवाह करेगा, तुम्हारा मिनिस्ट्री सफलता प्राप्त करेगा। जो नौकर होते हैं वो कहते हैं मी मी माई, दे क्या बोलता है, मैं प्रचार करूंगा, कोई और की पुलपिट नहीं देगा, मैं प्रचार करूं, हमारा मैं गाऊंगा, उसको माइक नहीं दे, हम गाए, हम हम प्रिंसिपल कौन है? नौकर। बट द सन, जो बेटा है वो कहेगा वी आउस अस वी विल सी, हम सब मिलके करें, हम खाली नहीं, हम सब मिलके प्रचार करें, हम सब मिलके परमेश्वर की काम करें, हम नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हम सब मिले, प्रेज द लॉर्ड। वो बाप का दिल दे, ऐसा दिल आपको होना जरूरी है ताकि आप
प्रभु की सेवा कर सके। तीसरा चीज, थिंक एज गॉड थिंक्स, सी एज गॉड सीज। तुम सोचे जैसे बाप सोचते हैं, तुम देखे जैसे बाप देखते हैं, तब तुम्हारा मिनिस्ट्री सक्सेसफुल हो। या बात यह है, तुम कैसे सोचे बाप की तरह। बाइबल ये हमें बतलाती है कि हमारे बाप की जो समझ है और हमारा समझ जैसे आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम लोग उसकी तरह सोचे नहीं सके। क्या हम लोग सोच सके उसके दिमाग से? बिल्कुल नहीं। हम और तुम एक गर्दा है, पीस ऑफ डस्ट है, उसके बारे में कैसे सके सोच। लेकिन हमें और तुम्हें बाप के दिमाग से सोचना है और बाप के आंख से देखना है। जरूर हम उसके आंख से नहीं देख सके क्योंकि हमारी आंख के पांच उतनी दूरी तक है। हम उसके दिमाग से सोच नहीं सके, आकाश और पृथ्वी के अंदर। लेकिन बाइबल में दो जानवर दिए गए हैं जो बाप के रूप, बाप के रंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन जानवर से आज हम सीख सकते हैं कि कैसे हम बाप के दिमाग से सोच सके और बाप के आंख से देख सके। नंबर वन, पहला जानवर लायन से, जो परमेश्वर की नेचर, परमेश्वर के रूप रंग रिप्रेजेंट करता है। लाइन, या लाइन एनिमल किंगडम में वो राजा है, किंग। हमारा गॉड भी एक राजा है, सिर्फ राजा नहीं है बल्कि राजाओं के राजा है। हालेलुया। या लाइन एनिमल किंगडम में राजा है। सवाल ये उठती है, क्यों लाइन राजा है? लाइन राजा है? क्या लाइन सभी एनिमल में सबसे बड़ा है तभी वो राजा है? बिल्कुल नहीं। लाइन सबसे बड़ा नहीं है। लाइन से बढ़ के हाथी है, राइनोस है, हिप्पोपोटामस है, बफलो है, अनेक जानवर जो लाइन से बढ़ के है। क्यों लाइन राजा है तब? क्या लाइन सबसे स्ट्रॉन्ग है, सभी एनिमल में सबसे स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल है। लाइन से स्ट्रॉन्ग बहुत सारे एनिमल है। क्या लाइन सबसे गरु है? बिल्कुल है। लाइन से गरु बहुत सारे एनिमल है। क्या लाइन सबसे स्मार्ट है? सब एनिमल में सबसे स्मार्ट लाइन है? बिल्कुल नहीं। लाइन से भी स्मार्ट और एनिमल है। तो क्यों लाइन राजा है? इसलिए चर्च, लाइन जब कुछ सोचता है और कुछ देखता है, वो मुर्गी के दिमाग से नहीं सोचता है, वो मुर्गी के आंख से नहीं देखते हैं, वो बकरी के आंख से नहीं देखता है, ना बकरी के दिमाग से सोचता है। वो जब कुछ देखता है और कुछ सोचता है, वो यही सोचता है, मैं इससे बढ़, मैं इसको पिछाड़ सकता, चाहे उससे 10 times बड़ा एनिमल हो, वो उसे पिछाड़ दे, चाहे कितना भी भयंकर जानवर हो, कितना भी बड़ा हो, लाइन उसे पिछाड़ देता है कि उसकी उसके जो समझ है, उसके जो विचार है, उसके जो सोच है, वो जब तक इसके सकता पिछाड़े। यदि वो उसके पास बकरी का दिमाग हो, मुर्गी का दिमाग हो तो भाग पड़े, लेकिन वो से वो जब तक हम इससे कमजोर है, हमसे बलवान है, बल्कि हम इससे सकता पिछा। चर्च, आज जब आप प्रभु की सच्चाई के लिए आता है, आपके बीच में भी बड़े बड़े शेर आएंगे, समस्या आएगी, मुसीबत आएगा, लेकिन कोई भी चीज आपके विरुद्ध में आए, आप ऐसा नहीं सोचे खलास अब तो नहीं सकोगे। एक व्यक्ति आए तुम्हारे पास और तुम्हें बोले, चर्च के लीडर तुमसे कहे कि डॉक्टर ने हमें बताया है कि कैंसर हो गया है और 1 महीना टाइम है, बहुत बीमार है, बहुत दुख में, हम मरने वाला है, हम और उस पर प्रेयर करो। तुम बोले, आए कैंसर,
इक्के भाई ना पादरी बुला दो पादरी के पादरी बुला ऐ पादरी तुम प्रेयर करो प्रेज द लॉर्ड तुम शेर के दिमाग से सोचो हम प्राप्त करेगा कैंसर चाहे कोई भी चीज वो भागेगा एक शैतान तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो सवार हो कोई ऊपर पोजेस है और अपन मसल दिखाए लड़े मांगे क्या करेगा तुम शेर के दिमाग से सोचेगा कि मुर्गी के दिमाग से सोचेगा बेटा हो जाएगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम्हें शेर के दिमाग से देखना है शेर के आंख से ताकना है हालेलुया भले तुमसे बलवान लगता हो क्या तुम्हें मालूम है बाइबल दे दिए जीसस क्राइस्ट इज द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूदा ग्लोरी टू गॉड एंड दैट लायन लिव्स इन यू वो तुम्हारे हृदय में रहता है रियल लायन पत्रस के पुस्तक 5:8 कहता है देयर आर एनिमी रोम्स लाइक अ रोरिंग लायन शैतान गरजने वाले सिंह की नाई घूमता है कि कब मौका मिले किसको पार दिखा ना अच्छी से तरह से हम समझे वो कहता है शैतान गरजने वाली सिंह की नाई वो नहीं कहता है वो गरजने वाली सिंह है गरजने वाला शेर है नहीं वो कहता है उसकी नाई वो नकल कर रहा है वो दिखा रहा है कि हम शेर है असलियत में शेर नहीं है वो छोटा कुत्ता का बच्चा है Praise the Lord. But the real lion is the lion of the tribe of Judah that lives in me and you. Hallelujah. Amen. Glory to God. मुझे याद है 1980s की बात है वो क्या है नवा क्रिश्चियन था लेकिन प्रोफेसर काम करता है जो जनता है बहुत नहीं जनता रहा पाए वो वाला टाइम पे प्रोफेटाइज चर्च में और हमें प्रोफेसाइड है और वो भविष्यवाणी करके हमें बताए यू विल सेव गॉड एज प्रोफेट जर्माया प्रोफेट जर्माया की तरह तुम परमेश्वर की सेवा करोगे हम तो अभी तक प्रोफेट जर्माया के बारे में पढ़ा भी नहीं नवा मसीह है बहुत नहीं जानता है तो हम क्या बाइबल में ढूंढे जर्माया कैसा आदमी रहा क्या रहा बाइबल में हम ढूंढा जब जर्माया के बारे में हमें पता चला कि प्रॉफेट जर्माया एक ऐसा सेवक रहा जिसको बहुत सताया गया था बहुत ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन बहुत पीड़ा से गया उसके बाद लोग विरुद्ध किया तो आप बताओ यही रकम हमें परमेश्वर सेवा करेंगे जानते हो ये सारी चीजें फुलफिल हुई हमारे मिनिस्ट्री के विरुद्ध में बहुत विरोध आया आज भी विरोध आती है लेकिन अभी थोड़ा कमती हुई है प्रेज़ द लॉर्ड काय कमती हुई है जानते हैं बहुत से वाले बहुत से लोग से विश्वासी अविश्वासी सब हमारे विरुद्ध किए हम लोग के मिनिस्ट्री के विरुद्ध किए बदनाम किए अनेक से नए नए स्टोरी बनाए हालेलुया ये सारी चीजें हम सहते सहते थेतर हो गया है आप चाहे में कोई कुछ भी बोले असर नहीं करे थेतर हो गया आप भी थिएटर हो जाए प्लीज ग्लोरी टू गॉड जब हमारी कोई विरुद्ध करे तो उसके मतलब नहीं हम उसके विरुद्ध करें हम उनसे प्रेम करें प्लीज वो प्रेम अपन जगह पे रहती है ग्लोरी टू गॉड मैं खास चीज ये बता रहा था वो 1980s के बाद लेकिन 1990s में एक और प्रॉफिट आया हमारे घर पे आया और वो आया और उसने प्रोफेसाई किए और ये प्रॉफिट कहते हैं कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे साथ में और तुम्हारे बिल्कुल बगल में एक शेर है पहला झटका मैंने सोचा ये कैसा शेर है शैतान है क्या है दो गेंद है नहीं इट इज द लाइन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूदा चर्च उस प्रोफेसी के बाद में परमेश्वर ने मुझे डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में लिया आज ये शेर खड़ा होती है हमारे विरुद्ध में शैतान जब हम डिलीवरेंस के लिए जाते हैं भयंकर का चेहरा लेके आती है गरजती है बाढ़ के खा जाएगा ऐसे रूप से आती है
करवाना चाहती है, लेकिन जब वो देखती है लाइन ऑफ द ट्राइब ऑफ जुदा को तो वो भाग पड़ती है। हम आप किसी को डिलीवरेंस नहीं कर सकते, हमारे और तुम्हारे पास कोई सामर्थ नहीं। It is the power of the line of the tribe of Judah. The church, Bible of Exodus की पुस्तक में बतलाती है, जब इज़राइलिटीज़ लोग प्रॉमिस्ड लैंड के करीब आ पहुंचे, नदी उस पार, रिवर जॉर्डन के उस पार प्रॉमिस्ड लैंड है, कैनन देश जहां पे दूध और मद की नदी बहती है, इज़राइलियों को वहां जाना है। अभी हम इस पार है। मोसेस ने उस 3 मिलियन लोग में से सबसे बेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बुद्धिमान 12 आदमी को 12 गोत्र में से चुना, यानी कि फ्रॉम 12 ट्राइब ऑफ इज़राइल, 12 ट्राइब इज़राइल में, उनमें से 12 आदमी सबसे बेस्ट, सबसे बलवान और सबसे स्ट्रॉन्ग को चुना और उसने कहा जाओ तुम प्रॉमिस लैंड में और जासूसी करके आओ। जासूसी करने के लिए भेजा, स्पाई करने के लिए भेजा, स्पाई करके आओ और हमें बताओ कैसा जगह है ताकि 3 मिलियन लोग को लेकर जा सके। इस जगह पर वचन कहती है उसमें से 10 पहले लौटे, 10 जब आए और वो कहते हैं मोसेस वास्तव में वाकई ही प्रॉमिस्ड लैंड बहुत खूबसूरत है, दूध और मद की नदी बहती है, लेकिन मोसेस तौबा तौबा नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं सकता जाए वहां, कहा नहीं सकता जाए वहां पे दानो रहते हैं, 14 फीट ऊंचा दानो है, हमें मार के खा जाएंगे। और वे कहते हैं Moses, we are like a grasshopper. हम एक grasshopper की तरह है उनके आगे। किसके आंख से देख रहे हैं? किसके दिमाग से सोच रहे हैं? grasshopper की दिमाग से सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं सकते जाए, वो हमें मार के खा ले। इतना अधिक मिरकल देखते आया फिर भी grasshopper के दिमाग है उनका। लेकिन उसके बाद में 2 और आदमी आए, जोशुआ और केलेब। जोशुआ और केलेब कहते हैं मोसेस काहे हम लोग देरी करें, चलो हम लोग प्रॉमिस लैंड ले ले, बहुत खूबसूरत है। तब ये 10 बोले ए तुम लोग नहीं देखा वहां पे दानो, नहीं देखा वो। जोशुआ और केलेब यही जवाब देता है, हम लोग देखा वहां पे दानो, वो दानो का तो क्या है, हम उसे पार के खा जाएंगे। फिर उठी भाई शेर के दिमाग से देखते, इसलिए वे प्रॉमिस लैंड को हासिल किए जाते, 10 प्रॉमिस लैंड नहीं पहुंचे। के दिमाग उनका मिनिस्ट्री सक्सेसफुल नहीं होगा। हमारा दिमाग, हमारा समझ, हमारी आंख शेर के आंख से देखना है। यदि हम शेर के दिमाग से सोचते हैं, शेर के आंख से देखते हैं, हमारे बाप का आंख है, हमारे बाप का समझ है, तो हमारे मिनिस्ट्री सफलता प्राप्त करेगा। आखिर चीज, चौथी चीज मैं आपको बताना ही चाहूंगा, दूसरा जानवर, दूसरा एनिमल, और वो है ईगल। ईगल गॉड को रिप्रेजेंट करता है। ये चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये, डू नॉट बी ए रबिश कैरियर। रबिश कैरियर नहीं बने, यदि तुम रबिश कैरियर बनेगा मिनिस्ट्री कभी सफल नहीं। तो रबी रबिश के लिए मुझे याद आती जब इसके बारे में बोलते हैं, एक टाइम एक छोटा लड़का मैंने से पूछा है बड़ा है कि कौन सी बनता है, जनता में कौन सी बनता है, बड़ा हो क्या मतलब रबिश लोरी चला। मैं किसी तो रबिश लोरी था तब देखे उसके अच्छा लगे, बोले बड़ा है क्या मतलब रबिश लोरी चला। और अब वो लड़का बड़ा हो गया, डिग्री प्राप्त करते हैं, वो अकाउंटेंट बनते। मैंने उससे पूछा पिछली बार कि तू बोला रबिश लोरी चलाएगा, सिर्फ मुस्कुराए, मुझे याद है। प्रेज द लॉर्ड। नाउ आपको रबिश एरिया नहीं बनना है चर्च। आप जब परमेश्वर की सेवा के लिए आएगा
इतना बात अच्छी तरह से जान जाए और कहीं भी अच्छी तरह से लिख ले, इसे भूले नहीं। जब तुम प्रभु की सेवकाई के काम करेगा, अवश्य आपके विरुद्ध में लोग खड़ा हो, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको निंदा किया जाएगा, आपको बुरा बोला जाएगा, लेकिन आपने कोई कुछ गलती किया नहीं, आपको चाहे लोग कितना ही बोले, आपको कोई बोले, यदि आप गलती करें तब दुख के बाद, लेकिन आप कुछ भी गलती नहीं करेंगे फिर भी आपको बदनाम किए जाएंगे, आप किसी के साथ में भलाई करेगा एक दिन वही तुम्हें काटेगा। सब नहीं, सब नहीं, 100 के साथ में भलाई किया, 99 तुम्हारा पीठ ठोकेगा, तुम्हें स्वागत करेगा, तुम्हें आदर करेगा, तुम्हारा इज्जत करेगा, लेकिन उसमें से एक है ऐसा होगा जो तुम्हारी बुराई करेगा, जो तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा होगा। चेक, हमारे विरुद्ध में बहुत सारे लोग खड़ा हो गए, लेकिन हम सभी से प्रेम करते हैं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते, आप भी किसी के रिकॉर्ड नहीं रखते, बुरा रिकॉर्ड कभी नहीं रखते। प्लीज लॉर्ड, कोई आपके साथ में बुराई करे उसके अच्छा पाठ देते, कौन जगह तुम्हारे संगे अच्छा ही करे वो अच्छा पाठ करते, बुरा पाठ कभी नहीं निकाल। प्लीज लॉर्ड, कभी कभी ऐसा होता है जब कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी बदनामी करे, तुम्हारी तुम्हें चार बात बोले, बोले चलो पूछी पूछो करा ले, पादरी तो बुलाए कहा, चलो हमें तब मनता जाने मुंह से सुने मनता कहा ऐसे बोली से। प्रेज द लॉर्ड, ये मसीह नहीं है, मसीह लोग पूछी पूछो नहीं करे, मसीह लोग फॉरगिव करे, मसीह लोग लव करे, हालेलुया, मसीह लोग रिलीज करे। ग्लोरी टू गॉड, हम लोग रविश के लिए नहीं कि ओ 10 साल पहले ऐसे बोले, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक रोज की बात भी नहीं याद है, रविश के लिए नहीं बने, ईगल इस समान तुम्हें रहना है। चर्च, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके जीवन में, आपके मिनिस्ट्री में, जब प्रभु की सच्चाई के लिए तुम कलम लेकर, तुम्हारे जीवन में आंधी आएगी, तूफाने आएगी, ऊंची ऊंची लहरें उठेगी। जब आंधी आती तो क्या होता है, जब हमारे देश में आती है आंधी तो क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ पाड़ो तोड़ मरोड़ दी जाती है, बड़े बड़े घर दीवार टूट जाती है, कई मनुष्य भी मारे जाते हैं, जानवरें मारी जाती है, आकाश के पंछियां भी मारी जाती है, मतलब इस पृथ्वी में जितना चीज है सभी के ऊपर असर पड़ता है, कुछ ना कुछ हानि सभी को होती है, लेकिन इस पृथ्वी में एक जानवर है जिसको एक भी हानि नहीं हो रही, और वो है ईगल। उका क्यों, तूफान उसे कोई हानि नहीं पहुंचाती, जब तूफान आती है ये ईगल जो है ये उकाब ये उड़ान भरती है, ये उड़ान भरती है। जानते हो 20,000 फीट ऊंचे आकाश को जहां पे कोई चिड़िया नहीं उड़ती है, जहां पे कोई नहीं रहता है, यहां तक कि तूफान के पांच भी अपनी दूर तलक है, तूफान उतना ऊंचा नहीं चलता है, तूफान से ऊपर उड़ती है। चर्च, ईगल की तरह हमें होना है, यह परमेश्वर का रूप यह रंग है। आज जब तूफान हमें झटका मारे, प्रेज द लॉर्ड, हम नहीं बोलिए पूछी पूछे बोलकर तो तूफान हमें नष्ट करे, हम उड़ान भरे, उड़ान भरे ऊंचे आकाश में, इधर आकाश की ओर, परमेश्वर की ओर जाए। जब आंधी आए तूफान है, हम प्रभु की ओर बढ़े और कोई आंधी हमें गिरा नहीं सके, मतलब की कोई बुरी बात है जो हमारे मन में डाला गया है, कोई हमें बुरा बोला है, तू जूते से पुकित करे, उसे लव करे, उसे रिलीज कर दे, कोई पूछी पूछो नहीं, हम पूछी आकाश को ले। यही गल, यदि तूफान रात दिन चले वो रात दिन ऊंचे आकाश में रह सकती है, वो थकती नहीं, इसलिए इसाया 40:31 कहता है कि मेरे लोग उकाब की तरह उड़ेंगे और उन्हें कोई भी थकन न हो, उकाब थकती नहीं। आज हम और तुमको रोज बदनाम किया जाए, रोज बुराई बुराई किया जाए, हम और तुम थकेगा नहीं। बाइबल कहती है जब तुम्हें कोई सताए नहीं, तुम्हारा विरोध नहीं करे, तो वो सही नहीं, तुम परमेश्वर के है नहीं, और जब तुम्हें सताया जाए, तुम्हारा विरोध करे, वो सही नहीं, यू बिलोंग टू गॉड। तुमको पेटी में कहता है, पति की पुस्तक में, तुम परमेश्वर के रहेगा, तुम्हें सताया जाए।
लेकिन उनका जो सतावा है तुम्हें कोई असर नहीं करे, यही उकाब की तरह होने। उकाब जब ऊंचे आकाश में उड़ती है, वो जो आपका पंखा है वो ऐसे से बहुत कमती ऐसे उड़ा करती है, उसको पंखा सीधा ही रहता है। कैसे उड़ती है? बिल्कुल रिलैक्स, जैसे हवा रहता है बिल्कुल हवा के साथ में उड़ती है, बिल्कुल आराम से। वो क्या उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, विंड ऑफ द होली स्पिरिट, जैसे फ्लो हो वैसे हम फ्लो हो। जानते हवा पवित्र आत्मा के हवा का छोटा है, मैं भी आपसे तुम्हारे बीच में चलेगा रिजर्व और हम उसमें चले। उसके हवा का झोंका एवरी टाइम पीस रिप्रेजेंट करती है। जब उसकी हवा का झोंका हमारे और तुम्हारे जीवन में आती है, शांति देती है। सिर्फ हमारे जीवन में प्रभु की शांति होना जरूरी है। क्या ये शांति तभी आएगा यदि हमारे जीवन में ये ईगल का रूप हो, ईगल का रंग हो और हम और तुम रविश लेके नहीं चले, ताकि हम और तुम इन सारी आशीष को अपने जीवन में देख सके, अपनी मिनिस्ट्री को सफलता देख सके, मिनिस्ट्री में अनॉइंटिंग फ्लो होते हुए देख सके। चर्च में आज चर्च के लीडर्स को, चर्च के अगुओं के लिए स्पेशल प्रेयर करना चाहूंगा। आपके जीवन में हम फ्रेश अनॉइंटिंग रिलीज करना चाहेंगे, ताकि इस साल के काम कभी आत्मा की अगुवाई से निपटा सके। अब अनुभूषित थे फिर आप आगे चले आए। फिर आप सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। आज परमेश्वर चाहता है चर्च के सभी अगुओं में प्रेम हो और प्रेम मैनिफेस्ट हो। परमेश्वर चाहता है चर्च के सभी अगुओं में पाप का हृदय हो। परमेश्वर चाहता है कि सभी अगुआ सोचे परमेश्वर के साथ से सोचे, सभी अगुआ देखे परमेश्वर के आंख से देखे, सभी अगुआ रविश के लिए ना हो। हालेलुया। इस समय चर्च, मैं चर्च में जितना भी मिनिस्ट्री में काम करने वालों को निमंत्रण देने चाहूं, जो कोई चर्च में कोई भी सेल ग्रुप चला रहा, सेल ग्रुप का अगुआ है या सेल ग्रुप चलाने वाले इस वर्ष, या सेल ग्रुप के अगुआ का असिस्टेंट, आपको मैं निमंत्रण देने चाहूंगा। यदि आप वुमेन्स मिनिस्ट्री में कुछ करते हैं, मैक्स फेलोशिप में आप अगुआ है कुछ करते हैं, कम चुनाव। यदि आप वर्शिप टीम में, सभी वर्शिप टीम का को भी आप निमंत्रण देना चाहोगे, कम। यदि आप हॉस्पिटल मिनिस्ट्री में, कम। चर्च के कोई भी मिनिस्ट्री में, प्रेयर वॉरियर्स में आप come and receive the power, the impartation of the Holy Ghost. मैं जानता हूँ चर्च में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी चर्च के भीतर में कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन आपके दिल में है प्रभु के काम करने के। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो चर्च के भीतर कोई मिनिस्ट्री में काम नहीं करने वाले, शायद आप सोचते हैं आप कभी नहीं आ सकते, लेकिन आपके दिल में आप जाएगा पड़ोसियों के पास, स्ट्रीट में जाएगा, फ्लैक्स लेके जाएगा, बीमार लोगों के हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए जाएगा। आपके दिल में वेंटिलेशन के लिए, आपके दिल के घर घर में किसी के दरवाजा खटखटाए, गॉस्पेल प्रचार करे, किसी भी रूप से आप प्रभु की सेवा करना चाहेगा। अनॉइंटिंग आएगी आपके जीवन में, अभिषेक आएगा, अपने अलग अलग व्यक्ति में मैं देखे ना पता लगा लेंगे। कभी ये न सोचे बच्ची बोली बच्ची बोली, हम आपकी आत्मा अगुवाई कर रहा है। हमारा वो शिक्षित जैसे इस गीत को गान, कोई और व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्रभु के लिए कुछ करने के लिए आप आ सकते हैं। हम सब प्रभु की आराधना करें, हम सब प्रभु की आराधना करें। हम देखे ऐसे खड़ा रहे, एक मीटर में सच में खड़ा है, ताकि आपको बीच में हम लोग क्या लाओ। हालेलुया।
और शायद आप स्लेन हो जाएं, और जब आप स्लेन हो जाएं, आप वरी नहीं करें उठने के बाद। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके चारों ओर मंडरा रहा है, आप वहीं पर रिलैक्स करें, क्योंकि वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं। जो पीछे लोग हैं उनके बारे में वरी करें, उनको आगे आना है, वह सभी के पास पहुंच सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं यदि आप उसके प्रेजेंस में रहे जब तक आत्मा वही करे, आप स्वर्ग खुलते हुए देख सकते हैं, आप स्वर्ग को देख सकते हैं, आप विजन देख सकते हैं, वो आपको दर्शन दे सकते हैं। इफ यू स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, चर्च आई कैन फील द पावर, feel the anointing. He's going to baptize with fire. Holy Ghost impartation आपके जीवन में डाली जाएगी, double portion anointing आएगा, you will never be the same again. आप वो व्यक्ति नहीं रहेगा, you will be anointed with fire. Church, just lift up your hand and just see the touch. Touch. Father, and I release your anointing. Release that anointing. Release fire. Fire. I release fire. 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 Release. Fight. Atma ki aankh se bhar de. Touch them. Fresh anointing, Lord. A fresh anointing. A fresh anointing, let the anointing fall, let the fire fall, and release fire in Jesus' name. Fill the Lord, fill with your spirit, fill the Lord, fill, let the anointing fall, let the fire fall in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' mighty name, and release fire, fire, fill the Lord, fill, fill, fire! Fill up, by the name of Jesus, I release fire in Jesus' name, in Jesus' mighty name. Yes, Bharati Prabhu, I release your fresh anointing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' mighty name. Believe Lord, believe with the fire of your Spirit of God. Believe, let that anointing fall, let that fire fall in Jesus' mighty name. In Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. I release fire in the name of Jesus. Believe Lord, believe in Jesus' name, in Jesus' mighty name. Fill them, Lord, fill them with fresh anointing, a fresh anointing, a fresh anointing. A fresh anointing, veil of joy. Yes, fill them with your laughter, O God. Fill them, fill in Jesus' name. In the name of Jesus, there is joy in the presence of the Holy Ghost. There is joy. Joy in the presence of the Holy Ghost. Fill it up. Fill in Jesus' name. Fill in Jesus' name. Fill them. A fresh anointing. Let that anointing fall, Lord. Let that fire fall. Fill it, Lord. Fill it. A new anointing, O God. A new anointing in Jesus' name. In Jesus' name. Fill it, Lord, with your spirit. Fill it. Fire!
in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus, I release fire in the name of Jesus. Fill it on. Fill up with your spirit. Fill up with your spirit of God in Jesus' name. Father, in the name of Jesus, baptize us with fire in Jesus' mighty name. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, I release your anointing. I release your anointing in Jesus' name. In Jesus' mighty name. I release fire. Fire. Fire in Jesus' name. In Jesus' name. Feel it. Feel it. Feel it. Feel it. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus, touch them, Lord. Touch them, a fresh anointing, a fresh way, Lord God. I release the fire. Fire, Jesus' name. Fill it. Fire in the name of Jesus. Fill it. Fill it, Jesus' name. In the name of Jesus, let the anointing fall. Let the fire fall. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Fill it, Lord. Fill it. Touch, touch, fresh anointing, fire on you, fire in Jesus' name, fill him Lord, fill him, a fresh anointing, fill him in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Father, I release your fresh way, I release your fresh way in Jesus' name. Touch, in the name of Jesus, I release fire, Jesus. Jesus, oh, Rabba Santo, Father, pray for double portion anointing. Anointing, Lord, fire in the name of Jesus. Feel it, Lord, feel it in Jesus' name. Rabba Santo, Church, get in Colossians, and if you see detail, prayer, detail, come to the altar, hallelujah. If you see prophet, is over, you need healing, for it is over now. Koi bhi maange, come, just come. Hallelujah. There's a mighty presence. Provision ki maan upasthi is jagah pe. Hallelujah. Come and receive the touch of the Master's hand. Receive the touch of the Master's hand. Receive. Come and receive. Just lift up your hand. Lift up your hand. Lift up your hand and receive. Yes, let that fire fall. Lagi baro basi hari yuba. Touch them, Lord. Touch in the name of Jesus. Touch in Jesus' name. In Jesus' name. Touch in the name of Jesus. Fight. In Jesus' mighty name. Fill along in your spirit. Fill in your spirit. Fill. Fire. It's coming upon you. In Jesus' name. In Jesus' name. Fire in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Fill up in your spirit. Fill up in your spirit. In Jesus' name. Touch it in the name of Jesus. Receive the power of the Holy Ghost. Fill them, Lord. Come there. Come there. Be healthy and be strengthened.